बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है? ये कतई मत सोचिएगा कि ये लड़की जो बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी कह रही है कोई विपक्षी नेता है। इस लड़की की माँ तो बकायदा खाटी बीजेपी वाली है, ऐसी बीजेपी वाली जिनकी राजस्थान के जयपुर में तूती बोलती है। लेकिन वक्त ने किया ऐसा सितम कि जयपुर की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई की बेटी बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी कह रही है, वो भी अपनी माताजी की मौजूदगी में। मीडिया को भी पता नहीं कैसे बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है। बात घर की चौकट में रहती तो फिर भी समझ में आता। ये देखिए, बीजेपी नेत्री शील धाबाई की बेटी तो बकायदा बाउंसर लेकर पहुंच गई बीजेपी दफ्तर के बाहर हाय हाय के नारे लगाते हुए। दोस्तों, माजरा ये है कि राजस्थान में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर उपचुनाव होने हैं। जयपुर की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई, जो पुरानी भाजपाई भी हैं, उन्होंने और उनकी बेटी ने मान लिया कि भाई उपचुनाव में महापौर यानी कि मेयर का उम्मीदवार तो उन्हीं को बनाएगी उनकी पार्टी। लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में तब बह गए जब जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रश्मि सैनी को उम्मीदवार बना दिया। बताइए, एक्टिंग मेयर को उम्मीदवार ना बनाया जाए तो बुरा तो लगेगा ना। दोस्तों, जैसे ही खबर बीजेपी नेत्री शील धाबाई को पता चली कि उनका पत्ता काट दिया उनकी पार्टी ने, तो वो सबके सामने कुछ यूं भावुक हो गई। हाँ, लेकिन कुछ बोली नहीं। लेकिन माँ के साथ हुआ ऐसा सलूक देखकर बेटी से रुका नहीं गया और भरी मीडिया के आगे उन्होंने कह दिया कि दोस्तों, बीजेपी नेत्री शील धाबाई की बेटी अपनी मां को उम्मीदवार ना बनाने से इतनी नाराज थी कि मीडिया के आगे बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी कहने के बाद वो सीधा बाउंसर्स को लेकर पहुंच गई बीजेपी दफ्तर बीजेपी हाय हाय के नारे लगाने के लिए। मामला इतना बढ़ गया कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा को सफाई देने के लिए आना पड़ा सामने और कहना पड़ा कि सबकी सहमति से ही रश्मि सैनी को महापौर पद का उम्मीदवार चुना गया है। तो अगर पार्टी ने सबकी सहमति से फैसला लिया है तो जाहिर है जयपुर की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई का पत्ता कटे इसमें सबकी सहमति होगी सिवाय उनके और उनकी बेटी की। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली ये कि राजस्थान के अंदर ना बीजेपी में भीतरघात का एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा उदाहरण। गहराई से अगर आप समझें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी के बड़े लेवल पर लड़ाई चलती है और हमेशा से चलती आ रही है। दूसरा ये कि पार्टी के अंदर ये जो सिर्फ फुटबॉल है ना, हर राजनीतिक दल झेलता है। बस फर्क ये है कि बीजेपी के अंदर की भीतरघात मीडिया छुपा जाती है और बाकियों की छोड़ती नहीं। आप इस एक्टिंग मेयर की बेटी का बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी कहने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप हर वीडियो में हमें सपोर्ट कर सकते हैं।